हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज देखिए, मैं नीतू, आज मैं बहुत ही एकदम सुपर टेस्टी चिकन बिरयानी बनाने वाली हूँ। तो चिकन बिरयानी बनाने के लिए फ्रेंड, मैंने ये बासमती वाला चावल लिया है। ये करीब करीब 750 ग्राम लिया है। तो इस चावल को मैंने अच्छे से धो लिया है। धो के इसको हम क्या करेंगे ना, 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, ताकि चावल जो है वो अच्छे से फूल जाते हैं ना, तो बहुत टेस्टी बनते हैं। साथ में देखिए, मैंने 750 ग्राम चिकन लिया है। जितना चावल लिया है फ्रेंड, उतना ही चिकन भी लिया है। तो चिकन भी मैंने 750 ग्राम लिया है अच्छे से धो के। तो इसको हम मैरिनेट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 कटोरी के करीब दही डाल दिया है। साथ में 1 चम्मच भर के एकदम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। और साथ में हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल दे रहे हैं स्वाद के अनुसार। हल्का ही नमक डाल रहे हैं, क्योंकि नमक मुझे ग्रेवी में भी डालना है। और 1/2 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर, 1 चम्मच भर के मैंने काश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया है। सारे चीज़ों को अच्छे से एकदम मिला लेते हैं, क्योंकि जब तक आप चिकन को अच्छे से मैरिनेट नहीं करेंगे, तो ये चिकन बिरयानी में चिकन एकदम सॉफ्ट नहीं बनते हैं। तो ये ट्रिक के साथ आप बनाएंगे ना, तो इसको हम करीब करीब 2 घंटे के लिए हम मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे। आपके पास यदि कम समय है तो आप कम से कम 30 मिनट भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। तो देखिए, इसको सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिला लिया है। तो इसको ढक के हम अब छोड़ देते हैं। तो देखिए, सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिला लिया है। तो अब हम इसको ढक के छोड़ देते हैं कम से कम 30 मिनट। इसको ढक, ये 2 घंटे कम से कम इसको ढक के रखेंगे हम, तभी इसको हम बनाएंगे। यदि आपके पास कम समय हो तो आप जल्दी आप मैरिनेट करके बना सकते हैं। तो तब तक में हम क्या करते हैं ना, चावल बना लेते हैं। तो चावल के लिए देखिए, इधर पानी गर्म होने के लिए हमने चढ़ा दिया था। तो इसमें हम कुछ सूखे गर्म मसाले डाल दे रहे हैं, जिससे कि चिकन का चावल का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो मैंने 2 तेज़पत्ता डाला है, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, दालचीनी और थोड़ी सी काली मिर्च डाला है। और 2 चम्मच के करीब हम तेल डाल दे रहे हैं, जिससे जो चावल होगा एकदम खिला खिला सा बनेगा। तो देखिए, अब चावल को मैंने धो के रखा था, वो हम डाल दे रहे हैं। और इसको अच्छे से चला ले रहे हैं चावल को। तो चावल को फ्रेंड 75% ही पकाना है। तो ये देखिए, चावल मेरे अच्छे से पक चुके हैं। 75% ही पकाना है। तो चावल मेरे को अच्छे से हम छान के रख लिए हैं। तब तक हम चिकन बना लेते हैं। तो चिकन बनाने के लिए हमने कढ़ाई इधर गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था, जिसमें कि हम 1 चम्मच के करीब घी डाले हैं, थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा ये सूखी मिर्च और 2 तेज़पात डाले हैं। अब घी की जगह पे रिफाइंड भी यूज कर सकते हैं। प्याज डाल दे रहे हैं और थोड़ा सा मैंने बटर डाल दिया है। और 2 प्याज को इस तरह से लंबे लंबे स्लाइसेस में काट के इसको हम डाल दिए हैं। तो प्याज को हम अच्छे से भून लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, प्याज जो है मेरे अच्छे से भून चुके हैं। तो अब जो चिकन मैंने मैरिनेट करके रखा है, वो चिकन डाल दे रहे हैं। तो चिकन को हम एकदम हाई फ्लेम पे पकाएंगे, इसको अच्छे से भूनेंगे चिकन को। चिकन तो मैग्नेट है, तो ये भूनते भूनते ही पक जाएगा चिकन। तो ये देखिए फ्रेंड, चिकन से मेरा कितना अच्छा पानी छोड़ दिया है, जो दही है वो भी मेल्ट हुआ है। और तो हम इसमें 2 टमाटर को इस तरह से बारीक काट के वो भी डाल दिए हैं। इसको भी हम अच्छे से एकदम पकाएंगे। तो देखिए, चिकन को भी मैंने हाई फ्लेम पे रखा है। उलट पुलट के हम बीच बीच में इसको हम चलाते रहेंगे। पूरे चिकन को बनने में कम से कम 25 से 30 मिनट लग जाता है फ्रेंड। तो इस तरह से हम 5-5 मिनट पे हम इसको चलाते रहेंगे चिकन को। देखिए, 5 मिनट फिर हो गया है। तो फिर से हम चिकन को चला लेते हैं। तो अब हम इसमें कुछ मसाले डाल दे रहे हैं। तो हमने इसमें 1 चम्मच भर के बिरयानी मसाला डाला है।
क्योंकि चिकन बिरयानी बना रहे हैं तो इसलिए हमने चिकन बिरयानी मसाला डाला है। साथ में 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाले हैं और मसाले हम इसमें कुछ भी नहीं ऐड करेंगे, बस खाली सिर्फ थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है। इस तरह से देखिए 20 मिनट के करीब हो गया है, तो देखिए चिकन से मेरा कितना अच्छा तेल छोड़ने लगा है। तो हम थोड़ा सा कसूरी मेथी क्रश करके डाल दे रहे हैं फ्रेंड, इससे चिकन का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इस तरह से उलट पुलट के एकदम हाई फ्लेम पे हम चिकन को अच्छे से भून लेते हैं। ये देखिए चिकन कितना अच्छा मेरा भुना गया है फ्रेंड, एकदम चिकन से एकदम तेल छोड़ दिया है। तो ये देखिए चिकन अच्छे से मेरे भून चुके हैं, तो हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना का पत्ता डाल दिए हैं फ्रेंड। पुदीने से बिरयानी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये देखिए लेग पीस भी अच्छे से देखिए पक चुका है, तो मैंने 80% के करीब पकाया है और 20% मैं चावल के साथ पकाऊंगा। देखिए एकदम हड्डी छोड़ दिया है, तो अब चलते हैं हम बिरयानी। ये देखिए फ्रेंड कितना अच्छा मेरा चिकन फ्राई हो चुका है। तो अब हम बिरयानी बना रहे हैं, तो सबसे पहले एक पतीला लिए है मैंने, एल्युमिनियम वाला पतीला लिए है फ्रेंड, स्टील का पतीला नहीं लेना है क्योंकि उसमें चिकन वो चिपक जाता है। तो अभी मैंने गैस के फ्लेम को ऑफ कर दिया है, तो पहले सबसे नीचे वाले लेयर में मैंने चिकन लगाया है, उसके बाद मैं चावल लगा रही हूँ। दूसरे लेयर में मैं चावल को इस तरह से हाथों से, उसके बाद मैंने थोड़ा सा प्याज भून के रखा था, 4 प्याज को मैंने घी में अच्छे से फ्राई कर लिया था वो डाल दिए हैं, और साथ में हम थोड़ा सा पुदीना का पत्ता और धनिया पत्ता डाल दिए हैं। ये देखिए थोड़ा सा हमने केसर रखा था, तो थोड़ा सा आधे कटोरी दूध में केसर को भिगो के रखा था, वो हम केसर 3-4 चम्मच के करीब डाल दे रहे हैं, जिससे बहुत अच्छा कलर आएगा। फिर से मैंने राइस को लगा दिया है एक लेयर को, तो अब इसके ऊपर से हम चिकन डाल देते हैं, जो भी मेरा चिकन बचा हुआ है सारे चिकन डाल दे रहे हैं। आप चाहोगे तो चिकन भुना हुआ भी ऐसे भी खा सकते हो, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। ये देखिए लेग पीस भी डाल दिए अच्छे से, और साथ में देखिए हम पुदीना का पत्ता डाल दे रहे हैं फिर से, और धनिया का पत्ता डाल दे रहे हैं, और जो प्याज फ्राई किया हुआ है वो प्याज भी हम डाल दे रहे हैं फ्रेंड, और 2-3 चम्मच ऊपर से केसर वाला दूध डाल दे रहे हैं। केसर आप चाहो तो कलर भी डाल सकते हो, और साथ में देखिए मैं देसी घी डाल दे रही हूँ 2-3 चम्मच के करीब, जिससे कि चावल एकदम सॉफ्ट बनेगा। और इसको हम करीब करीब ढक के फ्रेंड 15 से 20 मिनट एकदम अच्छे से पकाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड 15 मिनट के करीब हो गया है, ये देखिए मेरा बिरयानी कितना अच्छा बन के रेडी हो गया है। तो आई होप ये चिकन बिरयानी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी फ्रेंड। और इसको निकालने का तरीका है फ्रेंड कि साइड से निकाल लेंगे। तो यदि आप लोगों को ये चिकन बिरयानी पसंद आए फ्रेंड, तो मुझे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ एक नई रेसिपी के साथ, तो आप लोगों को